तो हेलो गाइस, आई नो कि अभी आप कुछ लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि 31 अक्टूबर को या फिर अक्टूबर नवंबर में यूनिट टेस्ट होने वाली है। कुछ कुछ बच्चों की यूनिट टेस्ट होने वाली है, वेर एज नवंबर या नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में, जो भी है, वो होगी आपकी सेम 3 एग्जाम होगी। SY BCOM की, FY BCOM की फर्स्ट फर्स्ट सेम होगी। तो आपको थियरी सब्जेक्ट्स में बहुत डाउट होते हैं कि हाउ टू स्टडी थियरी सब्जेक्ट्स। पहली बात तो जिन्होंने फुल क्लास लिए हैं उनको एक ही बोलूंगा मैं कि दे शुड हैव मेड प्रॉपर नोट्स। हमने ऑलरेडी उनको नोट्स भी दिए हैं, PPTs भी दिए हैं, वीडियोस भी दिए हैं। अभी बात करता हूँ सेकेंड, जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए उनको क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप क्लासेस लो, ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस लेना जरूरी है, बट इट गिव्स यू एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, चलो। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है थ्योरी सब्जेक्ट की, मेक नोट्स फर्स्ट। सेकंड, ये चीज का ध्यान रखो, आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें क्वेश्चंस क्या आने वाले, रिवर्स स्ट्रैटेजी में पढ़ो कि ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे आपके पास अगर समझो कोई क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं है कि इससे ही क्वेश्चंस आएंगे, बट बीकॉम में जनरली इट हैपेंस कि क्वेश्चंस रेप्लीकेट होते हैं, डिफिकल्टी लेवल ईयर ऑन ईयर बढ़ती है। मेरा आपको फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेकंड सेम में शायद से सिमिलर क्वेश्चन आए होंगे, वैसे सिमिलर क्वेश्चन आए होंगे, बट अभी आपको थ्योरी में कैसे पढ़ना है, इसमें सिमिलर क्वेश्चन आएंगे नहीं भी आएंगे, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आप पहले तो नोट्स बनाओ, फिर सेकंड, पढ़ाई करते वक्त है ना, जो उसका हेडिंग है, सब हेडिंग है, कोई टॉपिक का हेडिंग है, जैसे कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स है, तो उसके जो सब हेडिंग्स है वो सब हेडिंग्स लर्न कर लो। फिर उसके अंदर के जो लाइनर्स है उसमें पूरी लाइन मत लर्न करो, उसमें पॉइंटर्स दो तीन चार चार पॉइंट्स लर्न कर लो उसके। और क्वेश्चन आपका आएगा वो 10 मार्क का आएगा या 5 मार्क का आएगा, इसमें कोई ऐसा 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं रहेगा, पेपर पैटर्न जो रहा है उसमें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप जो पॉइंटर्स लर्न कर रहे हो पॉइंटर्स अच्छे से लर्न करो। एटलीस्ट अगर कोई 10 पॉइंट है तो 10 के 10 पॉइंट्स लर्न करो, फिर उसके अंदर के सब पॉइंट्स लर्न करो। सब पॉइंट्स लर्न करने के बाद चार चार कीवर्ड्स है, हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो फर्स्ट टाइम रीडिंग में, ताकि सेकंड टाइम आप जब पढ़ो तो आपको लर्न हो। और जरूरी नहीं कि आपको लर्न करना है, इफ यू वांट टू स्कोर 90+, मतलब या फिर CGPA में बात करो तो आपको 9.5 10 CGPA चाहिए, तो आपको डेफिनेटली एक्सेप्शनली गुड होना चाहिए लर्निंग में। रिटर्न प्रैक्टिस करो, वेरा सेकेंड आपको एवरेज मार्क्स चाहिए 75 80, या फिर 8 या 9 8 8 या 8.5 CGPA चाहिए, तो यू शुड आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके जो पॉइंट्स है, मतलब सब हेडिंग में, जैसे एक कोई अपन ने अपने लाइन ले ली उसके अंदर के आप समझो कोई चार कीवर्ड्स है, तो चारों कीवर्ड्स लर्न कर लो। वो कीवर्ड्स आप बार 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 गो थ्रू करो, जब आप वो कीवर्ड्स को बार बार गो थ्रू करोगे ना तो आपको बेनिफिट होगा। तो अभी मैं जैसे आपको बताऊँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, तो आई विल जस्ट टाइप हियर। पहले तो कीवर्ड्स सबसे इम्पोर्टेंट है, देन कीवर्ड्स हो गया, सेकेंड वुड बी सब हेडिंग, सब हेडिंग इम्पोर्टेंट है। फिर आपको ध्यान देना है हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है इम्पोर्टेंट वर्ड्स को। एग्जाम में हाईलाइट करना है क्या, नहीं एग्जाम में हाईलाइट मत करना, एग्जाम में अंडरलाइन करना। एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो है ना एक अच्छा इम्प्रेशन देगा। रिटन प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस करो चीजों की, जो भी आप लिख रहे हो उसकी रिटन प्रैक्टिस करो। 6 नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, दो वी हैव प्रोवाइडेड नोट्स क्लासेस में, अभी बहुत सारे फ्री नोट्स भी अवेलेबल करके दिए हैं हमने, हमारे नोट्स भी बहुत कम प्राइस के हैं। या और भी चीजें हैं, जैसे अपने 3 कोर्स है, महाभारत कोर्स है, एक रेगुलर कोर्स है, एक महाभारत, एक रामायण है और एक जड़ी बूटी कोर्स है, तो ये तीनों कोर्सेस भी है। फिर नोट्स दिए, PPTs को देखो, PPT क्या है, शॉर्ट और कंसाइज होती है, तो PPT को आप बार बार देखो। कभी ऐसा लगे बोर हो रहा है आपको तो बस लेक्चर में आपको अनलिमिटेड व्यूज है, ठीक है बेटा। कभी ऐसा हो रहा है आपको कि आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, खाली लेक्चर सुन लो, खाली लेक्चर सुन लो, उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे पॉइंटर्स। पॉइंट फॉर्म में लर्न करो, पॉइंट फॉर्म में लर्न करो चीजों को, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में लर्न करो चीजों को। फिर उसके बाद कौन सी चीजों का ध्यान रखना, और आपको बस ये 8 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। और भी आपको कोई डाउट्स होंगे या कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।
होप सो दिस हेल्प्स यू, थ्योरी सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा आपकी, बाकी जो जो आपके बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके बारे में के सी चैनल पे आप देख ही सकते हो, उस पे अपन बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय।